नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ। बिल्कुल आपकी दिलों का राज चल रहा है इस समय तो। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान ऐसे ही चलाते रहे सब लोग ऊपर, ऐसा भगवान आशीर्वाद दे कि सब दिल से दिल मिलाते रहे, होली खेलते रहे। प्रेम का त्यौहार और मथुरा में ऐसा त्यौहार बनता है कि देश विदेश से भी लोग यहाँ पर इस त्यौहार के लिए आवागमन करते हैं। भगवान कृष्ण नगरी में जय श्री राधे बोलते हैं। बिल्कुल जय जय श्री राधे की बात होती है। बिल्कुल दिलों का त्यौहार वाली बात हो रही थी हमारी आपस में, क्योंकि लोग यहाँ समाज ऊंच नीच राजनीति ये सब चीज़ छोड़ कर यहाँ पर आए हैं और दिलों की बात कर रहे हैं। क्या कुछ बहुत खुशी मिलती है यहाँ हमें कि जिस वक्त हम हिंदू मुस्लिम सब मिलकर एक साथ होली का पर्व मनाते हैं, इसी तरीके से हम मुस्लिम ईद का मनाते हैं, तो हमें बहुत खुशी मिलती है। मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि पर्व विकास इसी तरीके से आप सबका भारत बनाए रखें, सब बनाए रखें। और मैं इस होली के पर्व में सिर्फ इतनी से कहना चाहता हूँ कि बड़े सुकून से मेरी ज़िंदगी गुजरे, कभी करीब भी होकर जो बेबसी गुजरे। मेरी दुआ है ए मथुरा वासियों, ब्रज वासियों, हर एक लम्हा तुम्हारा हंसी खुशी। क्या बात है, क्या बात है, हंसी खुशी गुजरे। क्या कुछ बात कही, ऐसी बात कही है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिलों का राज है आप। जी जी जी, कोई ऊँच नहीं, कोई सामाजिक प्रबंधन नहीं, कोई राजनीति नहीं, सब कुछ प्रेम और सौहार्द का मामला। सबसे पहले तो मैं जो है सभी ब्रजवासियों को होली की शुभकामनाएं और ब्रज की तरफ से पूरे देशवासियों को होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अभी दिल की बात की है तो उस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है। जी बिल्कुल जी, और वो खास करके माननीय योगी जी के लिए है कि योगी जी आपने कीर्तनों को उठाया है, योगी जी आपने कीर्तनों को उठाया है, मुरझाए हुए गुलों को फिर से खिलाया है, हाथ से हाथ सीने से सीने खून मिले हैं, अब दिल से दिल मिला करके हमने कमल खिलाया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे देशवासियों को, पूरे मुल्कवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं होली की। खूब हर्ष उल्लास के साथ में, खुशी खुशू के साथ में, बहुत मोहब्बतों के साथ में त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ही नाजुक दौर गुजरा था उसके बाद में ये खुशी हासिल भई है। और इसी जो है खुशी के मौके पर अल्लाह तबारक ताला से ये भी दुआ करता हूँ कि अब कोई कोरोना काल भविष्य में मत दिखाई हो, इसी तरीके से खुशियाँ हासिल हों। आने वाले टाइम में ईद भी खूब खुशू खुशी के साथ में मनाई जाए। सभी देशवासियों को, सभी ब्रजवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल सही बात कही, दिलों की बात आई है, तो इसीलिए आपको जानना चाहूँगा, क्योंकि बहुत जोर से बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भैया जी, चाहे नाम उनका कुछ भी हो, चाहे मेरा नाम हेमंत हो, मेरा नाम नवाजुद्दीन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता इस बारे में। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? सबका एक रहना चाहिए, किसी से कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। होली का त्यौहार है, अच्छी तरह से मनाना चाहिए, सबको एक दूसरे से अपना प्यार और मोहब्बत से सब पूरी समाज रहे। बिल्कुल, समाज की बात आती है तो समाज, हम भी समाज में रहते हैं और समाज में बीच वाली बातें बहुत सारी होती है, लेकिन दोस्तों समाज से हम हमारे 24 साल हम हारे नहीं है, हम हारे नहीं है, हमने तो गिफ्ट दिया है और हमारी वजह से लोग कुर्ते पजामे पहन के घूम रहे सरकार में। 7 सीट ऐसी थी, 100 वोट से लेके 3000 वोट तक हारी थी पहले के, और पत्रकार और नेता एक ही बिरादरी के, जा तो किसी पंडित को पता चल जाती है कि पेट में छोरा या छोरी, या पत्रकार को पता चल जाती है एवीएम में 275 और मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, रसखान और कृष्ण की जन्मस्थली है, मथुरा से भाई का प्रेमचारे का संदेश यहीं से जाता है, देश विदेश से लोग मथुरा होली खेलने इसीलिए आते हैं कि मथुरा एक प्रेम का संदेश और भाईचारे का प्रतीक है। होली में सभी ब्रजवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, ऐसे ही गले मिलकर और सब भाईचारे को एकता और मजबूत। बिल्कुल, होली की बात है, राधे राधे, होली की बात है दोस्तों। अरे समाज में रहते हैं हम और समाज के साथ साथ हम आपको बता दें कि हमारी टीम यहाँ मौजूद है, शाजिया मौजूद है, रामा मौजूद है, उनके साथ उनके कजिन हैं, हमारी शीतल मैडम है, लगातार
हम लोगों को गाइड करती हैं, हम लोगों को गाइडलाइन देती हैं कि हमें क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं करना। उन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा हमारी साथी, बिल्कुल जो हम उनके साथी हैं, उनका नाम है क्या जी, आप क्या कुछ कहोगे? पहले से 60 सीट कमाइए, हमने अगर दुकान का सामान बिल्कुल। रामा की बात करना चाहूँगा, रामा, क्योंकि रामा हमेशा हमको टैकल करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं, जो छूट जाती हैं, रामा हमें याद दिलाती है कि आपको सर ये करना है। रामा क्या कुछ कहोगे आज? पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है G9 की तरफ से। पहली बार तो हम सब सभी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और हमारी टीम है अच्छा काम करती है, मैं चाहती हूँ कि ऐसे अच्छे काम करती है। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं हमारे चन्नी मिश्रा जी, हमारे ऑनर हैं, लगातार हमें गाइडलाइन देते हैं, और गाइडलाइन देने के साथ साथ बहुत सारी बातें नाराज भी होते हैं, क्योंकि कभी कभी हमसे भी गलती होती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, इंसान है, हम कठपुतली हैं, भगवान की दी हुई, कुछ ना कुछ हो जाता है और गुस्सा भी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हंस भी जाते हैं। क्या कुछ कहेंगे आज के बारे में? आप तो कोई गलती नहीं हो गई क्योंकि गलती जब हो जाती है गुस्सा करते हैं, और ये वाजिब है क्योंकि हर चीज़ बेहतर होनी चाहिए। G9 न्यूज़ हमेशा ही कोशिश करता है कि हम कुछ ना कुछ आपको बेहतर दें और उससे ज़्यादा, इसीलिए हम लगातार कहते हैं आपकी अगर डांट भी है, अगर शिकार वाला भी, अगर सख्त हिदायत भी है, तो उसको भी हम स्वीकार हमें करना चाहिए, क्योंकि हम इंसानी होते हैं, कहने की गलती करते हैं। बिल्कुल दोस्तों, देखो मैं आपसे लगातार बात कर रहा हूँ, मेरे साथ मौजूद है कजिन भी है, क्या नाम है आपका? इधर आइए, इधर दिखाइए, इधर हाँ बताइए कैसा लग रहा है आपको यार? शादियाँ बढ़िया छोटी हैं, ये बढ़िया है आज, देखा ऐसा लगता है शादियाँ बढ़िया, बिल्कुल लगता है हमें ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल लगातार माहौल। दिलों के राज की बात है, आपसे ही पूछेंगे दिलों के राज की बात, क्या कुछ कहेंगे आप? राधे राधे कर दी, बस बिल्कुल दिलों के राज, आज राधे कुछ नहीं, आज कुछ नहीं है, आज कोई राजनीति नहीं, कोई कोई कुछ नहीं। हमारे हीरा जी हैं यहाँ मौजूद, इनको नवरत्न कहा जाता है यहाँ मथुरा का, क्या कुछ कहेंगे ऐसा माहौल देखकर? बिल्कुल सही बात है, हीरा जी हैं हमारे, बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं और लगातार हमेशा अच्छे काम के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते रहते हैं, लोगों से बात करते रहते हैं, और हम लोग यहाँ लगातार हमने प्रयास किया है। हमारे मोहन नगर जी हैं, गले मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आज कोई बात नहीं होगी राजनीति, आज बात होगी सिर्फ दिलों की, क्योंकि आज दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। दोस्तों ये वो माहौल है जिसका नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आप किस प्रकार से, क्या कुछ कहेंगे? दिलों के राज की बात है आज, देखिए साहब बहुत बड़ा सुकून, बहुत बड़ा शांति, उसके बाद बहुत सावधान के साथ गली में गई, जिससे कि एक तो सभी के मन में जो भय था वो दूर हुआ, एक नया परिवर्तन राजनीतिक रूप से हुआ, उसके लिए भी लोगों को बधाई जो होते हुए घर उन्होंने बना दिया। लेकिन साथ ही साथ उसमें सतरंगी जो हमारा धनुष के रंग है, उनके आज खराब हो रोके प्रवासियों ने खूब सावधान के साथ होली का पर्व मनाया, लेकिन उसका कच्चा देश राग भाव सब भुलाकर उन सब लोगों ने बड़ा अच्छा भगवान कृष्ण दादा राजे इसी तरह से देशवासियों पर अपनी कृपा बनाए रखे, प्रेम और सौहार्द की नगरी इसी तरह से एक तरह से कहा जाए दिलों का मेला है। हाँ बिल्कुल है सर, तो देखिए अब बदल रही है परभाषा, नहीं तो चारों वर्ण चारों वर्ग अपने त्योहारों के हिसाब से मनाएंगे। आपके लिए इसलिए इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हम लोग आपस की कट्टा को भूल जाते हैं, आपस की निर्मलता को भूल जाते हैं, तो गले मिलते हैं, जितने भी हमारी अच्छाई बुराई आपस के मेल जोल जो होते हैं तो होली के पर्व पर अग्नि में उत्साह हो जाता है, सब लोग प्रेम से इस त्यौहार को मनाते हैं, ये इस त्यौहार की खूबसूरत। बहुत देखो अगर तो मैंने यही बात कही, मेले में हम अपने छोड़
वाली बात है, क्या कुछ कहनी बोली बताइए, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि आप ही करते हैं बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से यहाँ मेल मिलाप आप देखते हैं, क्या लगता है आपको कि आपकी वैसे सफल होगी? आनंद आया भाई ना, और जब मैं बात उठ रही है सब अपने भाई साहब ने और आनंद आया है, और कहते हैं कि हम मतदानी रहे पब्लिक में, आप देखिए चाचा एंड चाचा है यहाँ पर, जितने भी इंतजाम आप देख रहे हैं, इंतजाम आप देख रहे हैं और पंडालों में सब आपके हैं, जो का मिला है कोई भेद आप नहीं, सब कुछ बात है तो चल रही है, जानना चाहूँगा आपसे आपको लेकिन मैं समझता हूँ कि हाँ हर व्यक्ति हर पार्टी से अगर समाज से बहुत ही बढ़िया पूरा किसी ऐसा नहीं लगता, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे सद्भाव बना रहना चाहिए, सभी भाईचारा बना रहना चाहिए, बहुत ही बिल्कुल भाईचारे की बात हो रही है, दिलों के मेले की बात हो रही है, आज ना कोई राजनीति है ना कोई समाज है ना कोई पूछताछ का, कहा जाता है कि ये सब जगह की हो रही कब्रज का हो रहा बरसाने की छोरी और नंद गांव को छोरा, वाह भाई वाह, ये विश्व प्रसिद्ध हैं और ये खाली रंगों का ही त्यौहार नहीं है, ये सबके आपसी प्रेम का और सौहार्द का त्यौहार है, यहाँ सिर्फ आदमी रंग में नहीं रंगा जाता, यहाँ आपस में एक दूसरे के गले मिल करके अपने मन में पली हुई उस पुरानी दुश्मनी को नफरत को मिटा देता है, जिस तरह होलिका का दहन होता है उसी अग्नि के साथ वो अपनी नफरत को और कटुता को मिटा करके मन की मलिनता को मिटा करके आपस में सौहार्द प्रेम बढ़े इसके लिए एक दूसरे के रंग गुलाल लगा करके गले मिलता है, और ये ऐसा अनूठा त्यौहार है यहाँ एक दल का नहीं, एक किसी परिवार का नहीं, या हर दल का हर परिवार का व्यक्ति आज के दिन समस्त दुश्मनी को कटुता को मनमुटाव को मिटा करके यहाँ एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, एक दूसरे के साथ आपसी भाईचारा बना रहे इसको बढ़ाने के लिए, एक दूसरे के सुख की कामना के लिए यहाँ पर एकत्र होते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेला है आपसी भाईचारे का, आपसी संतुलन का, ये इसी तरह दिन दूना रात चौना बढ़ता रहे, और इसी तरह मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये आवाज़ मेरी पहुंच रही है, आपका चैनल भी इसी तरह है दिन दूनी रात चौनी तरक्की करता हुआ, एक दूसरे के इस भाईचारे को, प्रेम को, सौहार्द के इस मेले को सबको, पूरी पब्लिक को, भारत को, विश्व के सामने रख सके, इसी के साथ बिल्कुल सही कहा, धन्यवाद आपका, हमारे चैनल के लिए आपको शुक्राना, कुछ दिन पहले बात हो रही थी, चर्चाएं हो रही थी, वो जीतेगा आपको हार देगा ऐसा होगा ऐसा होगा, लेकिन आज तो ऐसा होगा, आज हमारे इस ब्रज क्षेत्र में सभी लोग जो है आपस में गले मिल रहे हैं सौहार्दपूर्ण वातावरण में, चुनाव से पहले चर्चाएं होती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन आज सभी वैसे बढ़ा करके इस होली के पावन पर्व पर, हमारी ये ऋषि मुनियों की भूमि है, भगवान श्री योगेश जी ने यहाँ पे धर्म का संदेश विश्व को दिया, आज इस पावन भूमि का हमने जन्म लिया है, और हम यहाँ प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर सभी जाति धर्म बंधनों को बुला करके सभी आपस में गले मिल करके होली का त्यौहार जो है सौहार्दपूर्ण वातावरण में मना रहे हैं। हमेशा मौजूद है समाज सेवी तारा चंद, लगातार आप देखते थे लोगों के प्रदर्शन, चाहे वो रेत से नहाने का हो, वो बहुत सारी सब्जियां लटकाने का हो, वो जो आनंद जो आता है आपके विरोध प्रदर्शन में, क्या कुछ कहेंगे आप? तो बिल्कुल होली का समारोह है, तो सभी को जाति को धर्म को छोड़ चाहिए और आपको नीति से करनी चाहिए, इसके अलावा आज के दिन राजनीति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन आरोग्य प्रदर्शन के लिए मैं आपको साथी भी दूंगा, जरा हम भी यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है हमारी, बहुत अच्छी बात हो रही है।
बहुत उत्साह, चाहे भले ही कुछ भी हो, राजनीतिक अलग बात है, विषय अलग है, लेकिन आज होली मिलन समारोह है, क्या कुछ देशवासियों देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं बधाई। सभी मिलकर त्यौहार ही होली दीपावली सब मिलकर मनाना चाहिए, यही हमारा आपका पर्व है, सभी लोगों को बधाई। क्या कुछ कहेंगे आप इस बारे में, आज होली मिलन समारोह है, हर चीज को लेकर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, देश बात सब कुछ त्याग कर बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे पास। जिस तरह आप देख रहे हैं सभी वर्गों के सभी पार्टियों के लोग जिस तरह से एक दूसरे से प्यार ओपर से गले मिल रहे हैं, यही हिंदुस्तान की तही तमीज है और यही कायम रहनी चाहिए। हम सबको देश की खुशहाली के लिए, देश की तरक्की के लिए आगे आना चाहिए इसी भाईचारे के साथ। बिल्कुल 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 सही कहा, बिल्कुल ये जो माहौल है ये आपकी व्यवस्था को भुला कर आपकी गले लगने का है। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? समाज आगे बढ़े और देश भी आगे बढ़े, यही बिल्कुल सही बात कहा। बिल्कुल मुन्नी देवी मौजूद हमारे साथ, बिल्कुल महिला की अगर सशक्तिकरण की बात करें, सशक्तिकरण की बात तो अब शुरू होगी, लेकिन मुन्नी देवी वो हैं जो पिछले कई सालों से लगातार राजनीति क्षेत्र में सक्रिय हैं और आप पार्षद भी रही, उससे पहले सभासद भी रही हैं, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? होली और ये दिवाली सबको शुभ आवे और शुभकामना सबकी मनोकामना पूरी होवे और यहीं में हम ये राजनीति जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए, कोई किसी से मतलब गलत संबंध नहीं रखना चाहिए, सबसे भाईचारे निभाने चाहिए और सबको बराबर एक साथ समझना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हमारे साथ मौजूद है भोले यादव जी, आपसे कुछ जानेंगे इस बारे में, राजनीति छोड़कर आज एक अलग माहौल है, सभी लोग मौजूद हैं यहाँ पर, एक व्यवस्था भी खत्म है यहाँ पर। आज जो होली का त्यौहार है और टेम्पियर में तो व्यवस्था होती नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब दल और सब धर्म के लोग आते हैं और ये अब हम कहीं ना होली मिलन समारोह उठा के बैठ रहा था हिंदुस्तानी, यहाँ पे तो मैं बोलता हूँ एक कहावत है कि ढेर और शेर एक ही घाट पर पानी पीते हैं, तो वो मैं समझता हूँ दिख रहा है हमको टेम्पियर की पवित्र धरती पर या कोई बड़ा और छोटा है ही सब एक ही जगह है, भाईचारे का आशीर्वाद स्थान से बनाया जाए। बिल्कुल आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि आप भाईचारे की हमेशा ही बात करते हैं। बिल्कुल होली का त्यौहार भाईचारा और सद्भावना का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, यहाँ टेम्पियर पार्क में सभी समुदाय के सभी लोग एक दूसरे से गले मिलकर प्यार बोलते हैं, सभी को कहना मिलता है, मुबारकबाद देते हैं, यही हमारे परंपरा। मैं देशवासियों प्रदेशवासियों को होली की मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया। बिल्कुल गिले शिकवे भूल के दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों से रंग मिल जाते हैं। इसका जो पर्व है ना ये हमारा संगठन का पर्व है। होली सो होली भुला दू से आज मिलने मिलाने का त्योहार है, न कीचड़ उछालो न गाली बको आज खुशियाँ मनाने का त्योहार है। देखिए हम लोग ये चार पर्व होते हैं अपने, ये जो पर्व है हमारे संगठन का पर्व है, जो हो गया जो हो गया, आज से एक नई साल हमारी, जो हमारी आर्यों की साल है, हिंदुओं की साल है, आज पहला दिन है चैत्र की पहली परवा का, आज से हमारी नई साल शुरू हो रही है, पिछली साल जो कुछ हो गया हो सो हो गया, उसको भुला दो, अभी हम लोगों ने सामूहिक रूप से यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म किया, यज्ञ किया, यज्ञ इसलिए किया कि वायुमंडल में प्रदूषण बहुत हो रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही हैं, अगर हमारे घर घरों में यज्ञ हवन होने लग जाए तो हमारा वायुमंडल शुद्ध हो जाएगा। यज्ञों में श्रेष्ठतम कर्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभागिनः। देखा तो यही बात है, दिलों की बात है। हमारे साथी हैं बहुत पुराने राजनीतिक और आज सभी जनता पार्टी बहुत बहुत
को शुभकामनाएं। आज भाईचारे का पर्व है, उन्हें एक बार समाजवादी पार्टी के नाम से सभी जनतावासियों बिल्कुल होली की शुभकामनाएं हैं, क्योंकि दिलों के राज हैं, दिलों पर राज करते हैं लोग। बात ताराचंदी के बाद खजाना है, बिल्कुल खजाना है, सब्जियों का, चीनी का, रेत का, क्या क्या खजाना। कई बार तो हमको ढोंगी बाबा बोल देते हैं, तो क्या इतने सारे स्वांग रहते हैं, लेकिन एक बात आपको बता दूं, इस स्वांग को रखने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ समाज को सुधारना, समाज को चेताना, समाज को जगाना होता है। इसलिए ये स्वांग नहीं है, ये वास्तव में हकीकत है। इस माध्यम से वो हमेशा हमें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि जागो समाज, जागो व्यवस्था, जागो। बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे आज? आज हम तो ये कहना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको भी बधाई और राधे राधे। 14 स्तंभ होता है मीडिया, जंगल में नाचा मोर किसने देखा। सही बात है, बिल्कुल सही, सही कहा। सत्यता तो यही है, बिल्कुल सत्य है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आने वाला समय सुखमय व्यतीत हो और आज का दिन सारी बुराई, भलाई, राजनीति छोड़ करके हम एक दूसरे से गले मिलें और बाकी बिहारी जी से प्रार्थना करें कि भगवान हमको इस समय स्वीकृति दे। ये जो देश में चल रहा है यूक्रेन के अंदर, इसके अंदर भी शांति सद्भावना होनी चाहिए, नहीं तो देश हमारा बहुत जो है पीछे हो जाएगा। वैसे ही 100 साल पीछे है भारत, तो ये लग रहा है सपना दिखा रहे हैं। 100 साल भारत आज भी हमारा पीछे है, यही हाल रहा बहुत पीछे हो जाएगा। इसलिए आज महंगाई की तरफ किसी का ध्यान नहीं है कि महंगाई आखिर जा कहाँ रही है। बिल्कुल, सिर्फ अपनी कुर्सी हमारी कायम रहे, बाकी कुछ नहीं। अरे कुर्सी तो जब ही रहेगी तो हम और आप रहेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं, इस तरफ भी चीतरे वालों को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल, फिर बात कही उन्होंने समाज को जगाने वाली बात, व्यवस्था को जगाने वाली बात। राजनीति है ना, भी जनता है ना, कुछ है ना, समाज है, सब कुछ प्रेम है। त्यौहार त्यौहारी भाषण ही है, कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई सब गले मिलना है। आज वैसे पर किसी मौके पर विधायक भी मिलने जाओ तो गले में नहीं बनते, आज यहाँ गले मिलने का मौका। ये त्यौहार ही ऐसा है, छोटा बड़ा सब कुछ है। बहुत बढ़िया, बहुत दिन बाद, बहुत साल बाद, बहुत साल बाद आ रहा है। माहौल है एक अपने आप में पॉजिटिविटी पैदा करता है, बहुत अच्छा माहौल। आपको पत्रकारिता में भी रहे, आपको लगता नहीं ऐसा माहौल होना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत दिन का हो पाता है, लेकिन आज पर माहौल है बहुत बढ़िया। वाकई में ऐसा लगता है कि दो साल बाद हम कोरोना बीमारी से बाहर आ चुके हैं, सब एक दूसरे के साथ गले मिल रहे हैं बिना किसी डर या भय के। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, खुशी हम बाहर नहीं, खुशी बाहर नहीं, खुशी 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 हम करा नहीं पाते, बस इतना फर्क हो जाता है। मेरे साथी हैं बात के बाद, क्या कुछ कहेंगे? बहुत दिन बाद ऐसा माहौल देखने को मिला है। आप भी आइए, आइए आइए, आप भी आइए। हाँ बोल दीजिए, कोई बात नहीं, बोल दीजिए। हाँ हाँ बोल दीजिए। ऐसा है कि आज पिछले 2 साल की जो गैपिंग के बाद, आज बड़े मतलब कहना चाहिए 2 साल के बाद ही एक अच्छा उमंग देखने को मिल रही है। मेरे समाज को 2020 और 21 में जो कोरोना काल की चलती है, उन लोगों में मिलने जुलने में थोड़ी सी ऐतराज रहा था, उस बंदे से आज आता को देख के बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही एक संदेश के साथ के साथ, केवल होली का जो त्यौहार है प्रेम पूर्वक मनाने का, एक दूसरे की देश भावनाओं को दूर करने का, उसको यही सीमित करना है कि उसको दिल भावना में अपनी कार्यशैली होगी। बिल्कुल बिल्कुल, खुशियाँ
कहीं और नहीं दिलों में खोजिए, दिलों में खोजने वाली बात होती है। भाई साहब मेला लग रहा है, बड़े भाई साहब, बड़े भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। यही वाला मिल गया, बस ये मान लीजिए आप भाई साहब को मैं चैनल स्पष्ट कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, आशीर्वाद, क्योंकि मैंने लगातार कहा कि दिलों का मेला है, बुजुर्गों का आशीर्वाद है, हमेशा आशीर्वाद काम ही आता है। इतना अच्छा माहौल जैसा हम देख रहे हो, हमें बड़ा प्रफुल्लित होते हैं, क्योंकि भाभी आपसे भी जानना चाहता हूँ, रोजाना चर्चा चलती है राजनीति, वो हारेगा, वो जीतेगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, लेकिन आज कुछ नहीं है। आज दो साल बाद दिल फिर इससे एक हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे दिलों के मेले के बारे में? दिलों के मेले में कहें कुछ नहीं, दिल मिलते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, बिना मिले आगे बढ़े, इस बात को अच्छे से मिले समझेंगे आगे। आपसी में दोस्तों को बुला के आपस में दिल मिला के चले, लोग खोजते हैं दूसरी जगह, दिल तो यहाँ है। आपसे भी जानना चाहूँगा, क्योंकि बाबू जी का आशीर्वाद लिया, बाबू जी का आशीर्वाद है, और बाबू जी जैसे अनेकों अनेक जो है क्षेत्र में निवास करते हैं, उन सबका आशीर्वाद है हम सब युवाओं पर। जी पिछले दो साल में जो कोरोना कालखंड रहा उसमें इस तरह का मेला नहीं लग पाया, उसका बड़ा दुख रहा, लेकिन इस बार का जो मेला लगा है यहाँ पर होली मिलन जो चल रहा है, सबरी कसर दूर है, तो सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, शांति स्वार्थ बना रहे, और योगी बाबा आगे सुशासन व्यवस्थाएं सब ठीक चलेंगी, और भविष्य में कोरोना ना आए, जिससे ये जो मेला चल रहा है चलता है। बिल्कुल सही बात है, कोरोना जो गरीब लोग थे आपस में वो गाड़ी मिलना बंद हो गया, छीकने पे ही हो गया, मच गया धमाल। आज कुछ नहीं है, आज दिलों का मेला ही मेला है, और ये सही मायने में जो आज भूल शब्द इस्तेमाल किया जाता है, भूल का मतलब ये है कि जो भी वैमनस्यता किसी से हुई है, जो भी आपके विचार नहीं मिले किसी से, उस पर सबका धूल डाल के आज गले मिलो, और सौहार्द के रूप में पूरा जीवन आगे का बसर करो। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं दिलों की खुशियाँ बाहर ढूंढते हैं लोग, दिलों के रूप के बातचीत कर रहे थे बाबू जी, और करेंगे आप बिल्कुल, कैसा लग रहा है युगंधर का ये त्यौहार है, हम तो उल्लास से सब लोग मना रहे हैं, आपसी मतभेद भूल करके अपना सब लोग जो है हिल मिल करके आप ईसाई रहे कर रहे हैं, यही हमारे देश की सुंदरता है, यही हमारे देश की खूबसूरती है, और ये ही कायम रहनी चाहिए, यही हम लोगों की कामना है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर के रहें, सब एक दूसरे के साथ स्वाधीनता पूर्वक रह करके आगे बढ़ें, सबका जीवन आनंद सब यही कामना। बिल्कुल धन्यवाद, क्योंकि दिलों के मेले का राज है यहाँ पर, आपने से कहीं भी किसी भी तरीके से देख लें आप, यहाँ दिलों का राज कर रहे हैं, युवा भी हैं बुजुर्ग भी हैं, कैसा लग रहा है आपसे जानना चाहेंगे, बिल्कुल क्या लग रहा है, बहुत दिन बाद दो साल बाद ये मौका आया है दिलों के मिलन का, बहुत अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा ये मौका आया है, दो साल से ये पर्व नहीं मनाया अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा लग रहा है सब भाइयों के बीच में। बिल्कुल, क्या कुछ कहेंगे, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं, यानी ये यादगार को सजो कर रखना चाहते हैं, अगली बार फिर दोबारा ना आ जाए, चौथी लहर लग रहा है, कोरोना के बाद इसके बाद मिला सब लगा हुआ इन प्यारी मोमेंटो को सेव करके रखा जा रहा है, कैप्चर करके हम लोग रख रहे हैं। बिल्कुल, दो तो यादें सहेज के रखनी चाहिए, ये वो उम्र है, ये वो उम्र है, ये हमेशा ये यादें जब बिखर जाते हैं एक दूसरे से, नौकरी पर लग जाते हैं, अपने अपने पेशे में लग जाते हैं, तब ये लम्हे गोल्डन मोमेंट से साबित होते हैं। जब आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए कि हम 20 साल बाद अगर चार यार मिलते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो, तो सेल्फी के लिए मैं साथी दिखूंगा, जरा इनके बीच में जरा हमारी भी सेल्फी ले, क्योंकि ये सब लोग नजर आए, क्योंकि ये जो वीडियो आप देखेंगे, ये जो वीडियो आप देखेंगे, ये वीडियो बिल्कुल आपको 500 साल बाद भी नजर आएगी, क्योंकि कहा जाता है कि YouTube पर जो चीज चलती है जब तक डिलीट ना कर दी जाए वो 500 नहीं 1000 साल भी चलती है। बिल्कुल आज के लिए, अगर 1000 साल की बात करें, 500 साल की बात करें, 5 जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन मैं इन दोस्तों के साथ इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इनके बीच में भी अपने दोस्त याद आ गए, और उनकी यादें भी याद आ गई, और मैं भी उस समय जमाना होता तो शायद मैं भी उनको याद करता, लेकिन इनको मौका दे रहा हूँ कि YouTube पर G9 न्यूज़ पर जाकर अपने इस मूवमेंट को कभी भी कितने भी जन्म लेने हमेशा याद रखिए।
क्वालिटी है, बहुत जुझारू और बहुत उत्साही। बहुत सारे कलर देखे मैंने, बहुत सारे रूप देखे उनके, और बड़े संजीदा भी हैं और बड़े नटखट भी हैं। बिल्कुल कन्हैया से मान लीजिए, क्योंकि वृंदावन के रहने वाले हैं। आप कहेंगे दिलों के मेले के बारे में? निश्चित तौर पर दिलों के मेले के बारे में यही कहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले एक मेला था यूपी के अंदर, यहाँ पर किसी दल का किसी पार्टी का रंग था, लेकिन भगत सिंह पार्क आज ऐसा पार्क है, न कोई झंडे का रंग है, न कोई पार्टी का रंग है, निश्चित तौर पर यहाँ पे तो प्रेम का है। बिल्कुल सही। और निश्चित तौर पर भगत सिंह पार्क ऐसा पार्क है जो भाईचारे को, स्नेह को, प्रेम को और लता को जो है कायम करता है। और होली के पर्व पर भगत सिंह पार्क में आके हम सब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। और अभिनंदन भैया हमारा आपके सामने खड़े हैं, हम आपके चैनल को बधाई देते हैं, आपको बधाई देते हैं। सौभाग्य हमारा ये होता है कि आपका स्नेह और प्रेम और दर्शन हमें मिल जाते हैं, तो हम मंदिरों में न जाकर के आपको ही अपना मंदिर समझते हैं। अरे बहुत बड़ी बात कह दी, यही इनकी देखो कला है। उम्मीद क्या दी जाती है तस्वीर बदलने की? बिल्कुल हमारे साथ अमित शाह जी बोला भी है, बातचीत करने के बाद उन्होंने बताया है कि गोवर्धन की तस्वीर पहले से बनी हुई है और उसी का परिणाम है कि वो अब की बार भारी बहुमत से यहाँ विजयी हुए हैं और लगातार गोवर्धन के विकास के लिए काम करेंगे। इसी के साथ उन्होंने अपना विचार प्रकट किया। होली मिलन समारोह है, उन्होंने आपको कहते हुए बहुत कुछ कह दिया, इसका अर्थ आप जाना। अपने साथ ही राहुल के साथ ही मैं समझ ही नहीं।